ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਾ ਬਾਪੂ ਬਦਲ ਲਏ ਉਹਨੇ ਪਰ ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ मेरा एक सिद्धू नू सवाल है हुण डायरेक्ट हिम्मत है हौसला है ता जवाब देवे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ केवल सियासत की गई है न्याय वल जाण दा जस्टिस वल जाण दा मुजलमान नूं फड़न दा कोई यतन नहीं किया गया इन्हां वल्लों पर एक हाई कोर्ट की जजमेंट आने तो बाद होर भी तेज़ ये सियासत इन्होंने करती है क्योंकि जो झूठ का पलंदा इन्होंने तैयार किया सी जेड़े कम की नीह झूठ ते रखी गई सी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर ने सब इन्हों का उड़ा के रखता अज दो मेन इशूज कोर्ट का ऑर्डर आया नवजोत सिंह सिद्धू वालों तो कुंवर विजय प्रताप बन गई हो साड़ी चोरी फड़ी गई साड़ा झूठ का पलंदा बेनकाब हो गया तो दोनों जाने प्रैस कॉन्फ्रेंस राही सिद्धू प्रैस कॉन्फ्रेंस राही तो कुंवर विजय प्रताप चिट्ठिया राही लोगों फिर एक बार भंबल भूसे च पा के लोगों कन्फ्यूज करके मिसलीडिंग गल्लां करके ते ये लोगों नूं गुमराह कर रहे हैं मैं उन्होंने कलैरिटी लियानी चाहना स्पष्टता लियानी चाहना देखो नवजोत सिंह सिद्धू दियाँ कई प्रैस कॉन्फ्रेंसिस हुई जिदे केवल तो केवल ड्रामा नाटक नाटककार तो वड्डा है ही तो जे मैं उहदे ही लफ्ज़ वरता मूँह का जलाब भी है उन्हूं सिख धर्म नाल तां आपां नूं सारिआं नूं पता है एक पैसे का लगाव नहीं उन्हूं ना उहदा विश्वास है ना उहदी शरदा है जिहड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के केस ते सियासत करे उहनूं तुसीं किवें कह सकदे हो कि यह सिख धर्म के विच विश्वास रखदा दो गल्लां वड्डियां नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रैस कॉन्फ्रेंस च वारी वारी कर रहा है जिहड़ियां गल्लां मैं अज डॉक्यूमेंट्स राहीं तुहाडे सामने स्पष्ट करनी चाहुंदा सब तो पहली गल उहने कीती बड़ा ड्रमैटिक लिहाज दे विच नाटक करके जिवें नाटककार तो है ही टैलीविजन परसनैलिटी है कि कहिंदा जदों ये दुखदाई घटना होई तो परचा होया बाजे खाने थाने च बैबल फायरिंग वाला तो श्रोमणी अकाली दल ने अणपछाती पुलिस ते परचा दिता तो नाटक वेखो करदा कहिंदा कदे पुलिस भी अणपछाती हुंदी है दसो मैनू कदे पुलिस भी अणपछाती हुंदी है मैं सिद्धू साहब थोनू दसना चाहना बिल्कुल पुलिस अणपछाती नहीं हुंदी मैं सहमत है इस गल नाल मैं एफ आई आर लैके आया है बैबल कलां जिहड़ा केस होया सी आ मेरे कोल एफ आई आर की कॉपी है आ मैं हाईलाइट भी किया श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बाई नेम जिन्ने पुलिस अफसर उत्थे मौजूद सी 302 का परचा दे के वह पुलिस अफसर के नाँ एफ आई आर शामिल होए है मैं थोनू ना पढ़ दिया चरणजीत सिंह शर्मा एफ आई आर ये ना है सॉरी चरणजीत शर्मा उस वेले एस एस पी मोगा उहदा रीडर प्रदीप सिंह पुलिस कप्तान इनवैसटीगेशन फाजिलका बिक्रमजीत उप कप्तान पुलिस जलालाबाद हरजिंदर सिंह ए डी सी पी लुधियाना वैसट परमजीत पन्नू उप कप्तान सानेवाल तेजवीर इंस्पैक्टर हरपाल सिंह गरेवाल इंस्पैक्टर मनिंदर बेदी इंस्पैक्टर संदीप वडेरा इंस्पैक्टर दलबीर सिंह समेत फोर्स जिहड़ी मौके पर हाजिर सी
302 दे विच परचा होया है। तो मैं सिद्धू साहब नूं पुछना चाहुंदा है कि तुसीं लोकां नूं गुमराह कर रहे हो कि एफ आई आर अणपछात्यां ते होई। एफ आई आर तां बाई नेम होई, सब दे नां विच पाए गए, अणपछाते किवें होए? ये अणपछाते कीते तुहाडी पुलिस ने, तुहाडी सरकार ने। सर एक रुका, ए एफ आई नंबर कितनी है जिदे विच 129-130 बैवल कलां दी 129-130 डेटेड 14-10-2015 ते 21-10-2015 दो एफ आई आर ते इकबालप्रीत सिंह सोता डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ADGP दे बयानां ते होई है। मैं इन्हां नूं ये भी दसना चाहुंदा हुण अणपछाती किवें होई। अणपछाती कीती कांग्रेस की सरकार ने। मेरा एक सिद्धू नूं सवाल है हुण डायरैक्ट, हिम्मत है, हौसला है तो जवाब देवे। मैं सिद्धू नूं पुछना चाहुंदा है आ 10 बंदे पुलिस अफसर बाई नेम ते नाल उन्हां दे जिहड़ी फोर्स सी उन्हां नूं बाई नेम शामिल कर दिता गया, ते जदों चलान पेश हुंदा है उदों इहदे विचों 7 बंदे किवें कढ दित्ते जांदे? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कोई किसी के बयान नहीं, तो ये बंदे कढ के ते चलान दिता जांदा है 3 बंदियां दे खिलाफ। चरणजीत दे खिलाफ, प्रदीप रीडर जिहड़ा उहनूं मुख दोषी नूं अपरूवर बना लैंदे आ, ये भी पहली वारी इतिहास च कम होया। कदे मुख दोषी अपरूवर नहीं बनता, इन्हां ने प्रदीप नूं अपरूवर बना लिया। चरणजीत शर्मे दे खिलाफ देता ते बिक्रमजीत दे खिलाफ देता, ते बाकी 7 क्यों छड्डते जी? मैं सवाल पुछदा है कि बाकी 7 क्यों छड्डते सिद्धू साहब, तुहाडी सरकार ने? मैं जवाब दे दिंदा क्यों छड्डते, क्योंकि 2 वड्डे अफसर उहदे चों DSP जलालाबाद हरजिंदर ते ADCP लुधियाणा वैस्ट परमजीत पन्नू, इन्हां दी तृप्त रजिंदर बाजवे नाल नेड़ता सी। जदों ये 2 अफसर छड्डते ते जिहड़ी सुभावक है इन्हां दे नाल जिहड़ी पुलिस आई सी, जिहड़े इंस्पैक्टर सी, उह तां छड्डने ही पैणे सी। जदों अफसर मौके तों छड्डता ते थलड़ी पुलिस नूं तुसीं किवें नॉमीनेट करोगे? हुण इन्हां दी नेड़ता किवें है ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਨੂ ਸਾਡੂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੂ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਟਲਾ ਬਹਿਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 2020 ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੂ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ FIR ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਮੂਰਖ, ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਖੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। 4-5 ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਦਲ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ
नरेंद्र मोदी नूं प्यो बनाया, फिर राहुल गांधी नूं प्यो बनाया, चार पांच प्यो बदल के ते मां बदल के। तो इस लैवल ते कोई भी पहुंच जावे यार, गैरत वाला बंदा तो कोई इहो जिहा काम नहीं करता। पर जे इस मुद्दे ते संजीदा है तो आ फिर डिबेट कर, चैनल तेरी मर्जी का, समा तेरी मर्जी का, जगह तेरी मर्जी की, जिथे कहेगा दुध का दुध पानी का पानी पंजाब के लोगों के सामने करके छड़ांगे। ये तो हुई सिद्धू साहब की गल। दूजी गल हुण आ गई जी कुंवर विजय प्रताप की। हुण ये वेख लो तुसी, कुंवर विजय प्रताप जी कह रहे हैं, चिट्ठिया लिख रहे हैं, रोज़ चिट्ठी कढ़ दिंदे आ, वेखो झूठ किड्डा। पहली चिट्ठी लिखी कि हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड परसन जिहड़े आ वह विटनेसिस नूं प्रेशराइज कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल, अजीत सिंह जी जिहदे एफ आई आर कराई है कोर्ट कपूरे। मैं सिद्धू नूं इह वी पुछदा, सच एक गल रह गई, 2018 च तुसीं एफ आई आर इत्थे कोर्ट कपूरे कीती, रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट तो बाद कीती, अजीत सिंह दे बयानां तो बाद कीती, उहदे च फिर अणपछाते क्यों रखे जी? वह भी एफ आई आर मेरे कोल आ इत्थे, उस एफ आई आर दे विच अननोन है सारे बंदे। इत्थे मेरे कोल एफ आई आर की कॉपी दिखाई यार, आ सी 2018 की पुलिस स्टेशन कोटकपूरा अननोन। तो यदा जवाब भी दे दे कि लोगों तो सवाल पूछने जोगा ही है तू, आपकी जिहड़ी एफ आई आर वो अननोन, जिले असी एफ आई आर दे विच पाए वो इन्होंने चलान च कढ़ते। सो मैं जिहड़ी गल कर रहा सी कि सुखबीर सिंह बादल ने कहिंदा जी कि अजीत सिंह नूं प्रेशराइज किया कि मैं तैनूं जॉब दवाऊंगा। आ अजीत सिंह का बयान कई ने सुन लिया होना, बाकियों मैं सुना दिना। सो गल तुसी देखो, चिट्ठी लिखदा है, चिट्ठी एक तो हो गया ना कि बाद च अजीत सिंह ने क्लीयर की है गल, नहीं अजीत सिंह यह कहता कि मैं ये गल सिट कोले कुंवर विजय प्रताप कोले क्लीयर करके आया कि ना मैनू कोई जॉब का ऑफर दिता है। की जाता डायरेक्टर नू, डीजीपी नू, मुख्यमंत्री नू, इहदा तो सारा कुछ जिहड़ा है झूठ ते बेस्ड है। दूजी चीज जिहड़ी इहने कल परसों 12 सफ़ियां दी चिट्ठी कढ़ी है, जिहदे च तुसी भी सारयां ने शायद देखी होवे, इक्को चीज़ कि मैनू थ्रैटन किया जाता सी जी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस च सरदार सुखबीर सिंह बादल वालों ते बिक्रम सिंह मजीठिया वालों। हुण मैं उहदा भी सच दस दिया तुहानू, क्योंकि ये सच नहीं कदे भी दसदा, हर चीज़ दे विच कुंडी रख रहा है, सारी इनफॉर्मेशन लोगों के सामने नहीं रख रहा। हुण असलीयत की है उहदे कि यही मुद्दे लैके 2019 च यह कहिंदा सी कि जी मैनू इन्हां ने थ्रैटन किया, इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह होम डिपार्टमेंट नूं चिट्ठी लिखी कि मैनू सेंक्शन दिती जावे सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया नूं। चिट्ठी लिखी इन्हें 2019 अप्रैल च, ते सरकार ने इनू सेंक्शन अकॉर्ड करती, होम डिपार्टमेंट ने, सतीश चंद्रा जी ने, आ वो सेंक्शन दी लैटर है कि मैं इनू सेंक्शन दिना टू प्रोसीक्यूट सुखबीर सिंह बादल एंड बिक्रम सिंह मजीठिया। सेंक्शन लैके जी जनाब अंबर ही जिहड़ी करनी है, सियासत करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, बाहर जाके करो। ये तो दस्या नहीं कि यही मुद्दे ते कोर्ट चो मेरे खिलाफ फैसला आ चुक है, ना तो यह दस्या, ना अजीत सिंह वाली गल सब को जाहिर की कि अजीत सिंह मेरे को दस के गया सी कि मैनू किसी ने लालच नहीं दिता, किसी ने थ्रैट नहीं किया। अज
दूजे दिन नवी चिट्ठी लिख दिंदा। दो मुद्दे तो मैं जिहड़ा इन्ना झूठ बोल रहा टेंटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा तुसीं आ वेखो टेंटेड इन्वेस्टिगेशन मैं तां कहिंदा कोई पहली वारी नहीं जिहनूं इह कहिंदे ना बड़ा काबिल अफसर है। अज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने संजय किशन कौल जी उन्हां दी जजमेंट जदों हाई कोर्ट के जज सीगे इहनूं 5000 रुपया जुर्माना वह भी अनकंडीशनल अपोलॉजी मंगण तो बाद कीता नहीं तो इहनूं कैद करनी सी उन्होंने क्योंकि एक सिविल मैटर नूं क्रिमिनल एंगल दे रहा सी। है बड़े केस कहिंदा मेरे को बड़े सेंसिटिव आए सी ते मामा यह भी दस दे कि उन्हां चों सिरे किन्ने लाए किडनी स्कैम वो बड़ी औखी है इत्थे आके ड्रामा करना। इस अफसर नूं तुसीं वेखो किस हद तक सरकार ने प्रोटेक्ट किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर आने तो बाद फेरे की प्रोटेक्शन जारी है। अमृतसर की अदालत ने यह चला के मारिया बाहर चलान यदी कंप्लेंट कमिशन वालों सेंशर किया गया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया कि इनू ला दिता जाए जिन्ना चिर कोड ऑफ कंडक्ट है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन कमीशन नू लिख के भेज दे चिट्ठी कि मैं इनू नहीं लाना जी लाने की सानू ऑर्डर ना करो मेरी मिहनत है कि इनू रख लैन दो की गल बाकी चार अफसर है नहीं सी सिट दे। एक क्यों कांग्रेस पार्टी का केवल तो केवल इसे ने फॉलो करना सी केवल तो केवल जो डायरेक्शन कांग्रेस हैडक्वाटर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तो गांधी परिवार तो आउंदी सी वो केवल कुंवर विजय प्रताप उन्हों इंप्लीमेंट करने तैयार सी। तुसी आ वेखो इनू इलेक्शन कमीशन ने 5 अप्रैल 2019 ते कोड ऑफ कंडक्ट जो SIT का मैंबर नहीं सी इलेक्शन के दौरान वेखो सियासत ये चलान ते साइन करके ते चलान सबमिट कर रहा कोर्ट के विच पहली बार इतिहास च होया होना काम इहो जे कम्मां नूं वेख के ये 27-5 नूं चलान सबमिट करदा ते 2-6 नूं सिट दे मैंबर DGP नूं लिख दिंदे कि असी नहीं जी ये कम कर सकते असी डिसोसीएट करते हैं ना तो यह सानू पुछदा ना दसदा केवल पोलिटिकली ड्रिवन एजेंडा ड्रिवन इस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। चारे मैंबर सिट दे लांभे हो जाते। एक चीज़ होर मैं थोनू दसनी चाहना हुण इह लिटिगेशन च कंप्लेंटां च चला गया अकाली दल दे लीडरां खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिहड़ा कहिंदा बड़ा क्लीयर ऑर्डर है एक कार्डिनल प्रिंसीपल है लॉ का कि कोई कंप्लेनेंट उस बंदियां दे खिलाफ IO नहीं हो सकता। हुण जे मैं थोड़े खिलाफ कोई कंप्लेंट दायर की है तो की थोड़े केस की पड़ताल मैं कर सकदा मैं तो पहला बायस्ड हाँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नो कंप्लेनेंट कैन बी IO अगेंस्ट द सेम परसन तो कुंवर विजय प्रताप जी कंप्लेनेंट भी है तो IO भी है तो किवें शैल्टर हो रहा कांग्रेस सरकार वालों क्योंकि सियासत सी। तुसीं इह वेखो पहली वारी नहीं यार पहले दिन तो यह सियासत चली है जदों तो यह दुखदाई घटनावां होईयां 2015 च मंदभागी घटना हुई मैं 2 मिनट के आपकी गल समाप्त करनी है उस दिन तो सियासत शुरू हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी को होर कोई गल नहीं सी करनी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CBI ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ 24 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਆਪਣਾ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੌਕਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹੀ CBI ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ ਸੈਕਰਲੇਜ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਓ
तो जो सरकार आ गई उदों तुसीं कहिंदे सीबीआई माड़ी असीं वापस लैनी कोई गल नहीं तुसीं बनाई सिट साडे लीडर ने कोऑपरेट भी किया सिट नाल पर जो सियासत का नंगा नाच होने लग गया उत्थे कुंवर विजय प्रताप वालों सारे लोग रौला पाउन लग गए तो सिट के मैंबर ने भी रौला पा लिया और डिसोसीएट कर गए आपदे आप को सो ये सारी सियासत है जिहड़ी तुसी वेखो इत्थों तक सियासत हुई है कि हाई कोर्ट मैं लास्ट गल करदा हाई कोर्ट च जदों ये केस गया हाई कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि इस इन्वेस्टिगेशन च जिमनियां किन्नियां लिखियां तुसी वो कहिंदे जी 150 जिमनियां लिखियां सरकार दा वकील कहिंदा हाई कोर्ट कहिंदी जी किन्ने किन्नियां जिमनियां इहो जिहियां है जिहदे ते कुंवर विजय प्रताप दे दे नाल किसी होर सिट मैंबर दे भी दस्तखत है वो कहिंदे जी केवल 27 150 चो केवल 27 123 जिमनियां इहो जिहियां जिहदे ते सिट दे मैंबरां ने इन्हां दे पोलिटिकल एजेंडे ते दस्तखत करन तों इनकारी करते ते जिहड़ा रणजीत सिंह कमिशन भी इन्हां ने बनाया ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है तुसीं इह वेखो हस्सो ही नहीं गल रणजीत सिंह कमिशन बनता 14 अप्रैल 2017 नूं आ नोटिफिकेशन है ते रणजीत सिंह जी आप की लिखते आपकी इन्वेस्टिगेशन कि मैं तो 17 मार्च 2017 नूं आपका स्टाफ अरेंज करके मैं तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करती यार बनाया है नहीं कमिशन तैनू अपॉइंट नहीं किया तैनू अप्रैल च कर रहा तू मार्च च ही कही जाना कि मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करती मतलब इतों तक मैच फिक्सिंग सी सो मैं बेनती करदा मैं लोगों सामने ये गल रखनी चाहना कि ये टोटल पोलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा ड्रिवन पोलिटिकल एजेंडे तहत जिहड़ी ये गेम चल रही है इन्हां तों बचण दी लोड़ है मैं अज फिर यही गल कहना कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज नूं सरकार लिख के भेजे कि यह इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट का जज करवावे या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख हेठ होवे ये सरकार नूं आपत्ति की है जे पहला यह डिमांड की तो यह जिहड़ा पॉलिटिक्स है हुण जे कुंवर विजय प्रताप ने इस्तीफा दिता है ये पहली बारी नहीं मैं तुहानूं एक होर दस दिया कल्ले इस जज साहब ने नहीं इहनूं लाया यह जदों जिहड़ा दूसरा केस चल रहा सरदार अनमोल रतन सिंह सिद्धू साहब जिहड़े हाई कोर्ट के जज साहब ने यह उन्हां दी अदालत च चल रहा है मेरे कोल उन्हां दा भी ऑर्डर है इत्थे जिहदे च उन्होंने भी सरकार सो कल्ले इस जज साहब ने नहीं जिहड़े दूजे केस है उहदे च भी सरकार नूं उन्होंने कहा कि तुसी इहनूं बदलन नूं तैयार हो कि नहीं हो सरकार कहिंदी है असीं तां इन्वेस्टिगेशन इक्को अफसर तों करवाउणी है ते सिद्धू जिहड़ा सुरेंद्र बाजवे नूं क्यों पुलिस अफसर जिहड़े FIR दे विच नामजद सी उहनां दे खिलाफ चलान क्यों नहीं दित्ता गया पुछ जा के कृष्ण भगवान दे भरा नूं तैनूं सच्चाई दसूगा पुछ जा के बीबी जसवीर कौर नूं मुख गवाह सुरजीत सिंह जिन्हों इन्ना तंग परेशान किया मेरे बोल नहीं ये उस परिवार के बोल है गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कुशलदीप सिंह ढिल्लों ने इन्ना तंग परेशान किया कि वह बंदे की जान चली गई तो उन्होंने इंसाफ नहीं दिता और बीबी तो विधानसभा तक जाया ही सार ली नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हों की 7:30 बजे आके तड़के बहबल खुरद जाके मत्था टेक के तुर गया इन्होंने परिवारों को भी मिल जाता सो ये सियासत जी है ये बंद करनी पेगी इत्थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जांच करन दुध का दुध पानी का पानी होवे ते एक कांग्रेस एक्सपोज होगी क्योंकि जिहड़ी साजिश है हमेशा कांग्रेस पार्टी ने पंथ नूं श्रोमणी अकाली दल नूं ते सिख कौम नूं ढा लाउण वास्ते कमजोर करन वास्ते इहो जिहे षडयंत्र रचे है इहदे विच वी जदों इन्वेस्टिगेशन सही होई कांग्रेस पार्टी का हथ आऊगा अज मैं दावे नाल कह सकदा राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर चो ये साजिशा हुई हैं उन्होंने आर्डर तहत हुई हैं तो थले जे प्यादे है सारे जाखड़ अर्गे कैप्टन अर्गे सिद्धू अर्गे इन्होंने इतने आपदा आपदा जो उन्होंने कहा वो रोल अदा किया कोई सवाल जी तो टीम होंगी पांच मैंबर की सी ओरली जो हाईकोर्ट के जज साहब ने कोर्ट के विच कहा मैं एग्जैक्ट लफ्ज बोल रहा कोर्ट मैं कर रहा कि दिस इज अ वेरी डेंजरस मिक्स ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रैली वेरी डेंजरस कॉकटेल ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कि तुसी धर्म की ते सियासत की बड़ी खतरनाक एक कॉकटेल बना रहे हो इस गल तो गुरेज कर लो सो जेडे सिट दे मैंबर है उन्होंने लिख के भेजता कोई ये इन्वेस्टिगेशन करन नूं तैयार नहीं हजे कोई शक है आपां नूं कि इहदे च पॉलिटिक्स हुई है कि नहीं हुई तो जिवें इन्हां दी प्रोटेक्शन एक सवाल होर आउंदा है वो तुहाडे चों
किसी ने पूछा नहीं, पर मैं वह जवाब देना चाहना। ये आम आदमी पार्टी वाले रोज रौला पा लेंगे है कि कैप्टन है ना जिहड़ा सॉफ्ट है, पूछ ही लिया, चलो ठीक है कैप्टन सॉफ्ट है बादलों पर। हुण मैं कैप्टन की सॉफ्टनेस दस दिया। सब तो पहला टोटली बायस्ड जज के थले कमीशन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया। कौन है वह जज? रणजीत सिंह जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का हम प्याला, सुखपाल खेरे का भनोईया, उहदी बेटी नूं एडवोकेट जरनल के दफ्तर चलाया, उहदे तो पोलीटिकली मोटीवेटेड इनवैसटीगेशन कराई, विधानसभा च ड्रामा कराया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सारे सिट के मैंबर केवी के खिलाफ से, फिर केवी ते कोई एक्शन नहीं, कुंवर विजय सेंक्शन दिती उहनूं कि तू सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अमृतसर कोर्ट च जा। कोर्ट ने सारी साजिश पछाणी ते बार मारी चला के उहदी एप्लीकेशन, वह एक वक्री गल है। साइन चलान ते साइन कमीशन ने उन्हूं हटाता सी ते उहदे तो साइन करा के चलान सबमिट कराया। इलैक्शन वर्डिक्ट आ गया, कुंवर विजय प्रताप की सारी इनवैसटीगेशन मैलीफाइड करके उन्होंने बार मारी चला के, फिर कुंवर विजय प्रताप की प्रोटैक्शन हो रही है। तो दिल्लियों देश के सब तो व्डे जड़े वकील लिया के 5.5 करोड़ रुपया जिन्हों के आपदे भी पूछ रहे उन्होंने वकीलों ने लिता, पर वो वकील की करन, वकील तो असी बड़े व्डे, पर नींह झूठ से आधारित सी ना केस की, जिहड़ी केस की नींह झूठ से आधारित होवे उहनू कित्थों लूथरा साहब वर्गे बचा लैणगे, कित्थों हरीश रावल वर्गे बचा लैणगे, कित्थों चिदंबरम बचा लूगा उहनू, जदों तां यही वकील सिद्धू नूं बरी करा देण सुप्रीम कोर्ट च, उदों तां बड़े तकड़े वकील है, ते जदों झूठ दे पलंदे नूं बचा ना सकन उदों कह दिंदे आ कि ये वकील माड़े सी। सो इन्ना कुछ किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, टोटली 4 साल 4.25 साल डिवेलपमेंट की कोई नहीं, वादे कोई पूरे नहीं किते, किया की केवल श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप नू टारगेट किया, इस झूठी इनवैसटीगेशन राही टेंट करन की कोशिश की, क्योंकि होर कोई मुद्दा नहीं है लोगों को जान नू, 6 महीने रह गए लोगों दी भावनावां भटका के इस मुद्दे ते फिर सियासत करनी चाहते। ये सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट है वह आम आदमी पार्टी से जिदे विधायकों के 4 धड़े हो गए है, तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमे बनाई बैठा, क्योंकि वह सवाल नहीं पुछता, क्वेश्चन नहीं करता। जे उत्थे विधानसभा लड़ाई लोगों की लड़ते हैं तो श्रोमणी अकाली दल के विधानकार लड़ते हैं, ये सॉफ्टनेस की गल करते, थोड़े सामने रखता मैं सॉफ्टनेस का पलंदा। तो धन्यवाद जी, थैंक यू।